किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, इस टाइम पे जो हम फसलें लगाए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अटैक देखने को मिलता है वो है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जो 28 से लेकर 35 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, इसमें वाइट फ्लाई तेज़ी से ग्रो करती है। जो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे हमारी कपास की फसल में काफ़ी ज़्यादा वाइट फ्लाई की समस्या देखी जाती है, बैंगन में, टमाटर में, मिर्ची में, उसके साथ साथ अन्य जो बेल वाली फसलें हैं जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, इन फसलों में भी जो वाइट फ्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। वाइट फ्लाई के यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो देखिए, इसमें एडल्ट होता है, एडल्ट अंडे देता है, अंडे से निम्फ बनता है, निम्फ से फिर ये प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। जो वाइट फ्लाई है बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होती है। जो हम नॉर्मल केमिकल का उपयोग करते हैं जैसे कि कॉन्फिडोर का या थायमेथोक्साम का, ये कुछ समय के लिए कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनसे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। हम जब इनका लगातार स्प्रे करते रहते हैं तो फिर कोई भी इनका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बेस्ट केमिकल के बारे में बताएंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, इसको रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव में आप अपना सकते हैं कि ये आपकी फसलों में कम आए, या कैसे आप पहचान सकते हैं स्टार्टिंग में कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। बेस्ट केमिकल के बारे में बताएंगे जो आपको 100% रिजल्ट देंगे। वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, वाइट फ्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, सफ़ेद कलर की होती है, आसानी से देख सकते हैं। इसका जो निम्फ होता है, एडल्ट होता है, ये दोनों ही हमारे जो पत्ती होती है उसके नीचे बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ से ये सक करते हैं, जो पत्तियों का जूस है उसको चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ येलो कलर की हो जाती हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से ना हो पाता है, जिससे सीधा उत्पादन पर हमारा असर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो वाइट फ्लाई होती है, ये वायरस के ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है, यानी कि वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है आपके प्लांट में। यदि मान लीजिए किसी पौधे में वायरस है और वहाँ पे वाइट फ्लाई उसको शक करती है, और फिर वो आपके कोई हेल्दी प्लांट है उस पर शक करती है, तो वो उस वायरस को उस दूसरे हेल्दी प्लांट में पहुँचा सकती है। आपके फसल के आसपास कोई अन्य फसल है जिसमें वायरस की समस्या है, तो वहाँ से वो वाइट फ्लाई आपके जो वायरस है आपके खेत तक पहुँचा सकती है। तो ये वायरस के फैलाने में काफ़ी भूमिका निभाती है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायरस एक बार आ जाता है तो पूरी की पूरी क्रॉप हमारी डैमेज हो जाती है। उसके साथ साथ देखिए, वाइट फ्लाई जब रस चूसती है तो उसके साथ साथ ये पत्ते पर एक हनी ड्यू छोड़ती है, जो एक सुगरी तत्व होता है, यानी कि थोड़ा मीठा तत्व होता है। इस पर जब हनी ड्यू छोड़ती है तो ये इस चिपचिपा होता है, इस पर एक ब्लैक फंगस भी डेवलप करने लगती है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो हमारी डैमेज होने लगती हैं। तो ये पूरी तरीके से हमारे जो प्लांट है उसको प्रभावित करती है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम बात करें कि इसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए जो हमारी येलो स्टिकी ट्रैप आती हैं, सबसे पहले आप क्रॉप में इनको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, क्योंकि येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो इसके मॉनिटरिंग में आपको सहायता करेंगी, यानी कि उन पर आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारी फसल में जो वाइट फ्लाई है उसका अटैक हो चुका है। तो स्टार्टिंग में ही आप केमिकल का स्प्रे या कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, तो इसलिए वो मॉनिटरिंग में सहायता करेंगी और कुछ हद तक जो वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। तो येलो स्टिकी ट्रैप हो, आप उनका यूज करें अपनी फसलों में। उसके बाद देखिए, इसका यदि बायोलॉजिकल कंट्रोल आप चाहते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में देखिए, एक जो हमारा लेडी बग आता है वो वाइट फ्लाई को और वाइट फ्लाई के अंडों को खाने का काम करता है, तो लेडी बग इसके लिए अच्छा रह सकता है, हो सकता है। या हमारा ग्रीन लेस विंग जो आता है, एक कीट होता है, मित्र कीट, वो भी जो वाइट फ्लाई होती है इसका एडल्ट को खाता है और उनके अंडे को खाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं इन कीटों को अपने फसलों में छोड़कर। उसके साथ साथ देखिए, नीम ऑयल बेस्ट है इसके कंट्रोल के लिए। स्टार्टिंग में नीम ऑयल जो ज़्यादा से ज़्यादा ppm का आप यूज कर सकते हैं, 10,000 से 15,000 ppm या उससे ज़्यादा ppm, जितना ज़्यादा ppm का यूज करेंगे वो उतना ज़्यादा जहरीला हो जाता है, उतने अच्छे से काम करेगा। तो उस वो भी आपके जो वाइट फ्लाई है उसको हर स्टेज में कंट्रोल करता है, चाहे वो एडल्ट हो, एग हो या निम्फ हो, तो हर स्टेज में कंट्रोल करेगा। तो नीम ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। यदि केमिकल की बात करें तो देखिए, जो बेस्ट केमिकल हैं इस पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक आता है सैफीना के नाम से, जो बासफ कंपनी का आता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। 2 ml/L के हिसाब से हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करना होता है। और उसके बाद दूसरा जो केमिकल आता है, एसीटामाप्रिड के नाम से आता है। एसीटामाप्रिड जो ये केमिकल का नाम है, आप इसके जो भी ब्रांड नेम से दवाई मिलती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही अच्छा है।
उसके बाद जो अगला केमिकल है वो है वेंटिना, ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है वेंटिना। ये वाइट फ्लाई के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर दो केमिकल होते हैं, तो ये बेहद ही इफेक्टिव तरीके से वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला केमिकल आता है वो आता है एक्सेल 525 के नाम से, जो ट्रॉपिकल कंपनी का आता है, इसके अंदर भी दो केमिकल होते हैं, ये भी अच्छा है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी केमिकल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे केमिकल हैं। देखिए जब भी आप एक स्प्रे लें तो हफ्ते के अंदर से, एक हफ्ते के या 8 दिन के अंदर से दूसरा स्प्रे इनका रिपीट करें, तभी आप इसको 100% कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये दो स्प्रे यदि आप कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप वाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।